Hello students, good morning. So today we are going to study the first lesson, A Letter to God. I have already sent you two videos in which there is detailed explanation of the lesson. Now what we have to do, we have to prepare for board exams, and now right time is now. We should prepare it now. Now what to study and how to make notes in class 10 for each lesson. If you want to score best, that means above 90%, prepare well from right from the beginning. So how you have to prepare, I'm guiding you. From each lesson, this mind map will be there, and you have to follow this mind map, make your notes, because when you will come, we don't know when you will come. So whenever we are in school, I can check your notes, and you can also go through the revision again and again. So first thing, what we have to do is the word meanings, okay? So word meanings are very important. So you have to know the word meanings. Then main characters, what are the main characters? इस लेसन में सबसे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? थीम क्या है लेसन की? लेसन किस चीज पे बेस है? समरी, यानी कि सारांश, इसका हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आता है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं अगर हमको लेसन की समरी याद है और हमको लिखनी आती है. मॉरल वैल्यूज, इस लेसन से हम कौन सी मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइटल एप्टनेस, टाइटल की एप्टनेस मतलब होता है कि टाइटल अप्रोप्रिएट है कि नहीं. अ लेटर टू गॉड टाइटल स्टोरी के अकॉर्डिंग सही है गलत है, ये जस्टिफाई करने के लिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं. और हिट पॉइंट्स ऑफ द लेसन, हिट पॉइंट्स मतलब अगर आपको ये हिट पॉइंट्स याद हैं तो समझ लीजिए कि आपको पूरे लेसन पे पकड़ है, और आप कहीं से कुछ भी आता है तो आप ये कर सकते हैं. और अगर आपको 90% से ऊपर स्कोर करना है तो आपको इसको हर हालत में फॉलो करना चाहिए. सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. वर्ड मीनिंग्स हर पेज के अकॉर्डिंग मैंने दिए हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये वर्ड है और ये मीनिंग है उसका, ठीक है. जैसे इंटायर, इंटायर माने कम्प्लीटली. वैली, क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ अ माउंटेन और हिल. राइप, पका हुआ. कॉर्न, यानी कि वो जो एक प्रकार का भुट्टा, इसको बोलते हैं ग्रेन है. डाउनपोर यानी बारिश, हैवी रेनफॉल. शावर यानी हल्का बौछार. इंटीमेटली यानी बहुत प्राइवेट, बहुत पर्सनल चीज होती है, नजदीक बिल्कुल. सपा यानी इवनिंग मील. गुड विलिंग यानी बाय ग्रेस ऑफ गॉड. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर पेज का मीनिंग दिया हुआ है. जब आप लेसन को पढ़ते हैं आपको क्या करना है बच्चों? यू हैव टू रीड द टेक्स्ट. डोंट फॉरगेट, रीड द टेक्स्ट. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो टेक्स्ट को पढ़िए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए. क्लास में अगर आप होते तो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाती, लेकिन अभी आप सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी. एक एक पेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है. तो सेल्फ स्टडी करिए. जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कैसे पेपर सेट होते हैं, क्या चीज़ें उसमें लिखनी है जिससे बच्चों को फुल मार्क्स मिले. तो अभी से एक एक लेसन को हम तैयार करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है और राइट टाइम आपका सेशन शुरू हो चुका है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है. जैसे प्रेडिक्ट, अप्रोचिंग, मैं ये वर्ड्स को पढ़ रही हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इनकी मीनिंग्स को नोट कर सकते हैं अपने पास. प्लेजर है ना, सेटिस्फाइड, एक्सप्रेशन, रिगार्ड, ड्रेप, कर्टन, ओके. फिर नेक्स्ट पेज हम देखेंगे हेलस्टोन्स, है ना. ये इस तरफ जो लिखे हैं ये सारे वर्ड्स हैं, ये आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स इस तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है. हेलस्टोन्स, रिजेंबल, एक्सपोजिंग, फ्रोजन, क्विकली, हिलसाइड, डिस्ट्रॉयड, प्लेग, लोकस्ट. लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट एक झुंड होता है, सब ये कीड़े होते हैं ना, अभी जो टिड्डी दल आया था देश में वही है लोकस्ट. सॉलिटरी, अपसेट, इंस्ट्रक्टेड, कॉन्शियस. कॉन्शियस क्या होता है? जो हमारे अंदर की अंतरात्मा की आवाज. डे ब्रेक, पीजो, पीजो एक करेंसी है जो वहाँ पे यूज की जाती है रशिया में, है ना. और ये आपका सो, ठीक. फिर ये पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 के वर्ड मीनिंग्स है. सीरियस, ओके. अब हम लोग चलते हैं अपने बच्चों अपने इस पे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी है वो है कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर. अब हम जब वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे, अब हम इस लेसन के नोट्स बना रहे हैं कि सबसे मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं. लेंचो, सबसे पहला हमको नाम याद होना चाहिए लेंचो का. दूसरा पोस्ट मास्टर, दूसरा मेन कैरेक्टर कौन सा है? पोस्ट मास्टर. तीसरा पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स, यानी कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं. अब लेंचो का कैरेक्टर स्केच हम तैयार कर लेते हैं. लेंचो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ प्रोटोगनिस्ट माने प्रमुख रोल, जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका है? लेंचो का. और इन सिंपल वर्ड्स, मेन कैरेक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, यानी कि ये मेन कैरेक्टर है. लेटर टू डू, ही इज अ पुअर फार्मर, ये गरीब किसान है, बट ही इज वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड लविंग, हार्ड वर्किंग.
ये बच्चों जो एडजेक्टिव्स हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये एडजेक्टिव्स को याद रखिए। जब भी आप लेंचो के बारे में कुछ भी लिखते हैं तो उसके संग ये एडजेक्टिव्स को जरूर लगाइए, जैसे डेडिकेटेड यानी कि पूरा समर्पित, हार्ड वर्किंग ठीक बहुत मेहनती। वी फाइंड दैट ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न, ये देखो एक मुहावरा है, नो स्टोन अनटर्न यानी कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ता जिससे उसकी फैमिली को फायदा हो। हाउएवर ही इज फील ही इज ऑल्सो अनएजुकेटेड, एक और इसके संग एडजेक्टिव लगता है कि अनएजुकेटेड है, विदाउट नॉलेज है। ही इज अनेबल टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड रियलिटी, उसे ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है और वास्तविकता क्या है, और वाकई में विश्वास जो है उसका वो अलग है और वास्तविकता क्या है। फॉर हिम गॉड, उसके लिए गॉड लिव्स ऑन द अर्थ एंड इट्स पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ हिम, और उनके संग कम्युनिकेट बातचीत करना आसान है, वो सोचता है ऐसा। यही तो बिलीफ है उसकी कि भगवान है, धरती पे रहते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। रियलिटी क्या है कि भगवान धरती पे नहीं रहते हैं, उनसे पत्राचार नहीं कर सकते। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, व्हेन ही गेट्स मनी ही इज नॉट सरप्राइज एट ऑल, रादर ही इज एंग्री ओवर द एम्प्लॉइज फॉर स्टीलिंग सम इम्पॉर्टेंट सम अमाउंट बिकॉज हिज फर्मली बिलीव दैट गॉड हैज सेंट कंप्लीट मनी। लेंचो इज दस वेरी इनोसेंट, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका कि ही इज वेरी इनोसेंट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट कौन है, पोस्ट मास्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोस्ट मास्टर के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव आपको दिए हैं, जैसे फैट है ना, पोस्ट मास्टर क्या है, फैट है ना। एमिएबल, एमिएबल माने जो बहुत सबसे दोस्ती रखता है, हसमुख स्वभाव का। सेंसिबल है, कंपैशनेट है यानी दूसरे के दर्द को अपना। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक क्या होता है, जो दूसरे के दर्द को अपना समझता है। कंपैशनेट सहानुभूति रखता है, एम्पैथेटिक जो दूसरे के दर्द को अपना समझे। वेरी हम्बल और काइंड, तो ये एडजेक्टिव्स आप याद कर लीजिएगा। व्हेन ही सॉ दैट पर्सन हैड रिटन अ लेटर एड्रेसिंग टू द गॉड, ही रीड द लेटर एंड हेल्प द इनोसेंट पर्सन, वो जब वो पढ़ता है कि लेटर किसी ने लिखा है भगवान को, तो वो पढ़ता है उसको और भोले व्यक्ति की मदद करता है। ही वेरी वेल न्यू दैट देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड टू व्हिच ही डिलीवर लेंचो लेटर, हेंस ही डिसाइडेड टू लेट लेंचो इमोशंस डाउन एंड हेल्प हिम बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी, उसके इमोशंस को बनाए रखने के लिए, उसकी भावनाओं को बनाए रखने के लिए वो मनमनी कंट्रीब्यूट करता है। बट आफ्टर सीइंग लेंचो सेकंड लेटर इंक्लूडिंग द पोस्टमैन फेल्ट वेरी सैड दैट ही हैड कंप्लेंड आउट टू गॉड अबाउट द पीपल वगैरह, और जब वो लेंचो का सेकंड लेटर पढ़ता है तो वो सैड हो जाता है, क्योंकि लेंचो उसमें लिखता है कि दे आर ब्रंच ऑफ क्रुक्स, कि ये बदमाशों का ग्रुप है, इसलिए वो इस चीज को करता है। थीम क्या है, ये बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे कोई भी लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का आपको आएगा, तो अगर लेंचो के रिलेटेड आता है तो आप उसमें ये थीम लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा इनका कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। द स्टोरी डिस्कसेस द पावर ऑफ इनोसेंट फेथ इन गॉड बाय अ मैन एंड हाउ इज केपेबल ऑफ अकम्पलिश हिज वॉन्ट थ्रू इट, कैसे वो अपनी इच्छाओं को पूरा कराता है। ये इनोसेंट फेथ की स्टोरी है, इसके मेन थीम क्या है, इनोसेंट फेथ ऑफ गॉड इन मैन। द स्टोरी एंड्स विद एन आयरनी, आयरनी क्या होता है, आयरनी माने होता है कि जो करना कुछ चाहता है होता कुछ है। जैसे जो पोस्ट मास्टर है वो उसको हेल्प करना चाहता है और वो सोचता है कि लेंचो बड़ा खुश होगा, भगवान को धन्यवाद देगा कि आपने पैसे भेज दिए, लेकिन होता क्या है कि वो भगवान को लेटर तो लिखता है और लिखता है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो बहुत चोर हैं, उनके हाथों पैसा ना भेजें। तो ये एक आयरनी है, तो ये मेन थीम है इस लेसन की कि इनोसेंट फेथ ऑफ इन गॉड ऑफ अ मैन। ठीक, अच्छा समझ में आ गया आपको ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी थीम को समझ लें और याद कर लें। ये सब नोट्स आप अपने पास बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, ये थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं उसमें अगर आप ये सब पॉइंट्स लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स देने का एवेल्यूशन होता है वो हमेशा हाई हो जाता है, यानी 5 में से 4.5, 4 आपको मिलेगा। जैसे आप एक हमेशा ऑथर का नाम याद कर लीजिए, ऑथर का नाम जरूर मेंशन करिए, जीएल फ्यूएंटेस, है ना। ये पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ अनक्वेश्चनेबल फेथ, यानी ऐसा फेथ जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री की स्टोरी है। बच्चों ये चीजें क्या है, ये बताती हैं कि आपने बहुत डीप स्टडी की है ना। लेंचो जो फार्मा है ही इज द मेन, बाकी तो आपने जो उसमें पढ़ाई है वही है कि कैसे वो उसकी पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाती है एक डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म से, है ना, और उसकी खुशी जो विशेष है उसको पार्शियली फुलफिल करते हैं लेकिन अंत में वो खुश नहीं होता। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये समरी है, समरी ऑफ द लेसन है, पूरी डिटेल में समरी है।
अगर आप ये समरी को लिख लेते हैं तो आप देखिए इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। जैसे ऑथर का नाम क्या था, तो आप बता देंगे कि ये ऑथर है। किस चीज पे है, थीम क्या है, फेथ ऑफ फार्मर इन गॉड, है ना। क्या होता है, व्हाट इंसिडेंट हैपेंस टू हिम, तो आप बोलेंगे लेंचो इज एक्सपेक्टिंग अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, है ना। तो व्हाई ही, व्हाट ही इज वेटिंग फॉर, ये है। फिर व्हाट हैपेंस, है ना, व्हाट हैपेंस, द रेनफॉल डिडंट हैपन, है ना, इट टर्न इनटू हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग द एंटायर फील्ड, सो डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल, ठीक है। और ये उसका सर्वाइवल है। आफ्टर डिसार्टेंड, फिर क्या होता है, डिसार्टेंड होने के बाद ये पूरा, आप जब ये पूरी थीम आप जब तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन इसमें रेडी हो जाते हैं। कितने पिज़्ज़ा चाहिए थे, 70 चाहिए थे, कितने मिले उसको, 70 मिले, उसको चाहिए थे 100, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको तैयार कर लेंगे। इसी समरी को मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया है, देखो ये पूरी समरी हिंदी में भी कर दी है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। समरी को समझना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में आता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी की एक्सट्रीम फेथ इन द ऑलमाइटी कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इन द डार्केस्ट टाइम, यानी हमारे बुरे से बुरे वक्त में भी ये जो आशा की किरण है वो भगवान में विश्वास अगर हमको है तो आशा की किरण का काम करता है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर याद कर, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, ये बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये टाइटल ठीक है, यस इज द टाइटल एप्ट, तो आप लिखेंगे यस इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, द गॉड इज ऑल, हाउ About how a poor farmer wrote to God asking for money and postman helped him instead. When the farmer found the money, पूरी समरी को ही देखो फिर से शॉर्ट में लिख दिया है कि ये उसके ऑथर की है, ठीक। तो समझ में आ गया सबको, ये जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल है। ओके, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल हो गया। उसके बाद ये सारे हाईलाइट्स हैं, हिट पॉइंट्स हैं चैप्टर के, क्या क्या है इसमें देख लो, आप पढ़ लेंगे इनको, हिट पॉइंट्स को नोट करके रख लीजिए अपने पास, है ना। ये मैग्निमिटी, मैग्निमिटी माने विशालता, भगवान की विशालता के बारे में पढ़ता है कि गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ अ बिलीवर, कि भगवान कभी भी हमारे विश्वास को नहीं तोड़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये पूरे लेसन की आपकी हिट पॉइंट्स हैं, पूरी समरी है, और ये लेसन के अगर आप नोट्स इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हर लेसन का मैं आपको माइंड मैप बना के दूंगी, आपको इसके नोट्स बनाने हैं और मुझे PDF सेंड करना है बना के। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को पॉज कर करके आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आती तो जब हमारा सेशन हम करते हैं क्लास का तो उसमें हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और इस लेसन को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, जिसने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और वॉच ऑल द वीडियोज़। और ग्रामर के जो वीडियोज़ मैं आपको 10 sentences रोज भेज रही हूँ वो एडिटिंग पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करिए अपनी कॉपी में, ग्रामर कॉपी में, ठीक। एक्सप्लेनेशन भी उनके लिखिए अगर समझ में नहीं आते हैं। Thank you, bye, have a nice day.